अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ब्रेड से कुछ नई रेसिपी। इसको आलू बोंडा के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आलू की ब्रेड पकौड़े भी कह सकते हैं, उसी की फॉर्म में है ये। उसके लिए मैंने ब्रेड लिए हैं, एक अंडा लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया, थोड़ा सा बेसन है और आलू हैं, चने हैं, कुछ मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं सबके, और हरी मिर्च है। अंडे को मैंने फोल्ड लिया है और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर और बेसन मिलाकर उसको कुछ देर के लिए फेंटा, और फेंटने के बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन मिलाकर रख दिया था। इसके बाद रखने के बाद कुछ देर ही रुकने के बाद हमने इसमें सारे मिश्रण को, आलू चने इन सबको मैश करके रख लिया। मैश करने से ये हुआ, ये सॉफ्ट, थोड़ी देर रखने से इनका मसाला आपस में अच्छे से बैठ जाता है। फटाफट करने के बाद एकदम से नहीं करना चाहिए, कुछ देर रखे रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैंने ब्रेड को लेकर किनारों को कट कर लिया था। किनारे कट करने के बाद थोड़ा सा पानी लगाकर उसमें इस मिक्सचर को बीच में रखकर अपने हाथों से एक गोल फॉर्म, गोल कोफ्ता टाइप या पकौड़ा टाइप की शेप दे दी थी। आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको चपटा भी बना सकते हैं, इसको जैसा दिल चाहे वैसा इसको अपने आकार दे सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको इस मिक्सचर में डालकर, बेसन में डालने के बाद मैंने इसको फ्राई किया। एक बार फ्राई करने के बाद मैंने इसको फ्राई करा। फ्राई करने के बाद मैंने इसको दोबारा भी फ्राई किया था, जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरे हो गए थे। देखो कैसे खिले खिले, कितने अच्छे एकदम कुरकुरे और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं आलू बोंडा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इसके साथ मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।